घंटे नहीं दो घंटे के भीतर में 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपए माफ हो जाए। देते रहे तीन किस्त तुम्हार पट गए तो तुम्हारे खाता में चल गए, चौथा किस्त थे। और अब कहा था कि किसान के धान 3200 रुपया क्विंटल में खरीद। चलिए तो नमस्कार, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के जब भी घोषणा पत्रों का जिक्र होता है तो किसानों के लिए कर्ज माफी धान खरीदी वाला घोषणा सामने आ ही जाता है। जी हाँ, सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए दोनों ही पार्टियों द्वारा किया गया है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। 3100 रुपये और 3200 रुपये में धान खरीदी, किसानों को धान का बोनस, किसानों का कर्ज माफी, इन घोषणाओं के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो दोनों का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ किसान भाइयों, जब से किसानों का कर्ज माफी धान खरीदी का घोषणा सामने आया है तब से हमारे किसान भाइयों का भी लगातार कमेंट आने लगे हैं, तरह तरह के सवाल आने लगे हैं। कई किसान भाई कमेंट करके पूछने लगे हैं कि भैया कर्ज माफी कब से होगा, कैसे होगा, धान का दाम कितना मिलेगा। इसके साथ ही चौथी किस्त का क्या जानकारी है, महिला समूह के कर्जा के बारे में बताइए, तेंदुपत्ता का कितना मिलेगा, इस तरह के कमेंट आने लगे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं इन सब के बारे में सीएम भूपेश बघेल क्या बोले हैं। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं सीएम भूपेश बघेल जी को। लेकिन भाई इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जिन बात लगे हमारे नेता राहुल गांधी जी की कि 10 दिन के भीतर में किसान के ऋण माफी हुई, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुई, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता की खरीदी हुई, बिजली बिल आधा हुई, ये चार गारंटी तुम्हें देरी से राहुल जी है। और आप लोग मैं कहा था 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपया माफ हो जाए। तो कांग्रेस के गारंटी के भरोसा है हम के हमारे नेता 2500 रुपये के ओकर से कमती नहीं करन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाइन पहली साल 10000 रुपये देन ओकर 9000 रुपये देते रहे, तीन किस्त तुम्हारे पट गए तो तुम्हारे खाता में चल गए, चौथा किस्त थे 31 मार्च पहली तुम्हारे खाता में पहुंची। पिछले साल देवारी 1 नवंबर के पहली पड़ गई से 24 तारीख की रिश हम 17 तारीख के तुम्हारे खाता में डाल देने। ये साल आचार संहिता लग गए, हम जाना था ना चार दिन तक बाद उकर बाद निर्वाचन आयोग कर ले, हम मांग कर वो 1 नवंबर की अनुमति दी नहीं दी, वो कर दी थी 28 सितंबर के तुम्हारे खाता में पैसा डाल दे, मिले कि नहीं बताओ, मिल गए ना, हाथ उठाओ बताओ कौन कौन लोग पैसा मिले ले बल्ला। अभी आप लोग मैं कहा था कि कांग्रेस की सरकार बना फिर से किसान मन के कर्जा माफ हो, 2 घंटे के भीतर में कर्जा माफ हो किसान मन के, 2 घंटे के भीतर में फिर से किसान के कर्जा माफ, सरकार बनी और तुम्हार किसान के कर्जा माफ। जिन महिला बाल विकास विभाग से लोन ले, सक्षम योजना से जो लोन ले वो कर्जा माफ हो, बजा बहनी मन ताली तोरो मन के कर्जा माफ। जिन ट्रांसपोर्टर है 2018 पहले टैक्स नहीं पटे ओकरो मन के 726 करोड़ रुपये ओकरो मन के माफ, और हम 2500 रुपये देवो कह रहे हैं 2640 और 2660 रुपये पड़े धान की कीमत, पड़े कि नहीं पड़े, वायदा ज्यादा करें कि नहीं करें। और अब कहा धान की किसान के धान 3200 रुपये क्विंटल में खरीदो, और साथ साथ जबका तेंदू पत्ता तोड़ थे अब वो 6000 रुपये प्रति मानक बोरा दर से, पहले 4000 कर रहे हैं रमन सिंह तो 2500 देते रही से, पिछले समय बढ़ा भी नहीं करी हम 4000 कहें 4000 के भगत 6000, और 4000 रुपया हर परिवार ला तेंदू पत्ता तोड़िए तो हर परिवार ला 4000 रुपया साल में एक बार बोनस, चाहे चार चिरंजी और इमली महुआ तिखूर ओकर 1000 रुपया क्विंटल अतिरिक्त भाव, मतलब 10 रुपया किलो एकर मतलब 1000 रुपया क्विंटल ओकरो भाव बढ़ाए। तो किसान भाइयों आप सुन रहे थे भूपेश बघेल जी को, उम्मीद करते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। किसान भाइयों धान का दाम कितना मिलेगा, कर्ज माफी कब से होगा, कितना होगा, और भी जो घोषणाएं पार्टियों द्वारा किए गए हैं इन सब का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को किसानों को मिलेगा कि नहीं, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी क्लियर बता पाना मुश्किल है। आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होने वाला है, उसके बाद किसकी सरकार बनती है
और अपने वादे के मुताबिक कैसे काम करती है ये तो भाई मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सबको 3 दिसंबर का इंतजार है। किसान भाइयों, जो भी आगे किसान संबंधित योजना संबंधित जानकारी आएगा, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से सीधे हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। अपना विचार और राय भी नीचे बता के चलिए। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।